हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट करेंगे। ये वर्कशीट 38 है। ये सोशल साइंस की है, क्लास 7th की, 22 दिसंबर की। डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन आज का टॉपिक है। तो डियर चिल्ड्रन, हमने आखिरी वर्कशीट में कुछ संतों के बारे में जाना। तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल, मीरा। तो आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में जानेंगे। तो शंकर देव, ये जो है इनकी जो प्लेस है जहाँ पे इन्होंने बोल लिया, तो ये जो सृष्टि है हमारी, जो अर्थ है, उसकी एक महान कवि है। इनने कहाँ जन्म लिया था? इन्होंने असम में जन्म लिया था, 15th सेंचुरी में जन्म लिया था। तो ही एम्फसाइज डिवोशन टू द विष्णु। ये विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। ही कंपोज्ड पोएम एंड प्लेज इन असामीज। ये असामी भाषा में बहुत से रोल प्ले करते थे, बहुत सी पोयम है इनकी। एंड ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अम नाम घर्स। इन्होंने कुछ नाम घर्स भी बनाए जिसमें लोग प्रेयर करते थे। द एसेंस ऑफ शंकर देवा डिवोशनल केम टू बी नोन एज एका सरना नाम धर्मा, सुप्रीम सरेंडर टू द वन, कि भगवान ही ऐसा है जिसके आगे कोई भी नहीं टक सकता इस सृष्टि में। तो इस सृष्टि में एक भगवान ही ऐसा है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इसके लिए इन्होंने एक लोगो बनाया, एक सरना नाम धरना। अब आगे जो टीचिंग्स थी शंकरा देवा की, पर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड भगवत पुराना। ये भगवत गीता और पर भगवत पुराना में रिलेटेड थी। ही ऑल्सो एनकरेज द एस्टिब्लिशमेंट ऑफ द सत्र और मोनेस्ट्रीज फॉर ट्रांसमिशन नॉलेज। इन्होंने नॉलेज के लिए सत्र और मोनेस्ट्रीज को भी स्टेब्लिश किया। हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूड कीर्तना और घोषा। कीर्तन और घोषा जैसे कई सारे इनके जो कंपोजिशंस थे। अब अगले कवि हैं आप लोगों के, एक और महान सृष्टि पे कवि, कबीर। तो कबीर के बारे में आज हम जानेंगे। इनका बर्थ बनारस वाराणसी में हुआ, 15 से 16 सेंचुरी में। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज। हम इनके आइडियाज के बारे में सखी अनडपस के द्वारा जानते हैं। तो सम ऑफ दीज भजन जो है इनके, ये जो थे प्रिजर्व किए गए गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवनी और भिज्जक में। जो लैंग्वेज थी इनकी पॉटरी की, वो हिंदी की फॉर्म में थी और बहुत ही सिंपल थी। इनकी लैंग्वेज थोड़ी कड़वी थी, पर इसको फॉलो करना भी बहुत डिफिकल्ट था। कबीर्स टीचिंग वर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड वीमेंट एंड रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। इनकी जो हमारी कबीर की टीचिंग्स थी कि सिर्फ रिलीजियस, सभी रिलीजन एक है और भगवान पे भरोसा करना चाहिए। अब आगे कबीर टीचिंग जो थी, ये बहुत ही मेन थी। इनकी जो वर्शिप थी, ये सभी की वर्शिप्स पे रिलेटेड थी। तो आगे कबीर बिलीव्ड इन द फॉर्मलेस गॉड। कबीर जो थे, ये फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव करते थे। इनकी जो सेवलेशन थी, ये डिवोशन थी। बहुत हिंदू और मुस्लिम इनके फॉलोअर्स थे। तो एक इम्पॉर्टेंट कंस्टीब्यूशन है भक्ति सेंस का, जो कि डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक में है। तो जो जयदेव ऑफ बंगाल है, इन्होंने कंपोज किया गीता गोविंद इन संस्कृत। ईस सॉन्ग जो है कंपोज हुआ पर्टिकुलर राग और ताल में। तो इनका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। इन्होंने भजन कीर्तन बहुत से बनाए जिसकी वजह से लोगों ने इनको फॉलो किया। तो विच प्रैक्टिस वॉज बिगेन बाय शंकर देव। शंकर देव ने कैसी प्रैक्टिस शुरू की? तो ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नाम घर्स और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड अ प्रेयर। सेकेंड, वॉट वर जो मेजर आइडियाज थे कबीर के? तो जो जो हमने पढ़ा था, हम वो सब लिख देंगे 8 पॉइंट्स में। अब आगे, हु कंपोज्ड गीता गोविंद? गीता गोविंद किसने बनाई? तो जयदेव ऑफ बंगाल ने कंपोज की गीता गोविंद इन संस्कृत। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट को करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब।